मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्राप्त पुलिस कर्मियों के लिए 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन परिसर में किया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन एसएसपी शलभ माथुर द्वारा पदोन्नति प्राप्त 127 उप निरीक्षकों को उनके दायित्वों के साथ विवेचना संबंधी विधिक व तकनीकी सहित अन्य व्यवहारिक जानकारी दी गई। इस मौके पर सीओ लाइन व एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बीडी मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। तो अब आप लोग सब इंस्पेक्टर्स हो गए? जी सर। इससे पहले आप हेड कांस्टेबल्स थे? जी। सूचना की भी है और दायित्वों की भी है। इसकी है कर्तव्य उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें रहेंगी। अभी मैं देख रहा था आप बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे, 420 467 करिए, ठीक है। आप मुझे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, सारे लोग सिविल पुलिस से ही या सिविल पुलिस के अलावा भी हैं? बिल्कुल की कोई जानकारी होगी बैठ गई, ठीक है। नाउ अब एज सब इंस्पेक्टर आपके क्या दायित्व हैं, उन दायित्वों की जानकारी देंगे। ऑफिस में क्या रहता है, नाराओं की समीक्षा बता रहे हैं, कहाँ है कब कौन सी नारा लगनी है, ठीक है। इसको यहाँ से अच्छे से करके जाइए और आपको बहुत जानकारी है, इसके हिसाब से कोई भी चीज़ है तो उसको डिस्कस करिए और यहाँ पर जो कराया जा रहा है इसको अच्छे से इंजॉय करिए इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है। आपसे अधिकतर लोगों की एज जो है 50+ ही होगी, है ना, 50 साल से अधिक आपकी उम्र है, लेकिन अभी आपको दायित्व पहली बार मिला, तो उनको दायित्व मिलता है इसकी जानकारी बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दी। ये जो हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर सभी प्रमोट हुए हैं, उनको बेसिकली एक तरह का ओरिएंटेशन कोर्स है उन लोगों का, जिसके अंदर क्योंकि अब सब इंस्पेक्टर्स के रूप में उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, खासतौर से विवेचना को लेकर और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो जवाबदेही में और इन सब चीज़ों के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसके लिहाज से उन लोगों को किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से कर पाएँ, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। उसी परिप्रेक्ष्य में ये ट्रेनिंग यहाँ पर की जा रही है, 2 बैचेस में की जाएगी और पुलिस लाइन गोरखपुर में की जा रही है और निरंतर रूप से इसकी वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रयास ये है कि इस ट्रेनिंग के बाद जब ये फील्ड में जाए तो एज अ सब इंस्पेक्टर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है।